हर एक जना का अपना म्यूट खोलेंगे हम लोग, और मैं मेरे पीछे आपको बोलना है, मैं बोलेगा होसन्ना होसन्ना, आप बोलना है होसन्ना होसन्ना, मैं बोलेगा प्रभु के प्रभुचा नावाने एनारा राजा, आप बोलना है प्रभुचा नावाने एनारा राजा, मैं बोलेगा धन्यवादी दसो, आप बोलना है धन्यवादी दसो, सब लोग ने अपना म्यूट खोलना है, क्योंकि ये जो ब्लेसिंग डे सबके लिए परमेश्वर ने किया है। जब तक हम लोग हमारी लैंग्वेज डाउन के लैंग्वेज में जब तक आप चिल्लाएंगे नहीं तब तक परमेश्वर की आशीष हम पे तुम पे आएगी नहीं। यस सर, आप हर लोग अपना म्यूट खोलिए और मैं बोलेगा क्या आपको बोलना है, मेरे आगे कोई किसी को नहीं बोलना है। होसन्ना 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 होसन्ना, प्रभुचा नावाने येणारा राजा, प्रभुचा नावाने येणारा राजा, धन्यवादित असो, धन्यवादित असो, धन्यवादित असो, धन्यवादी असो, ऊर्ध्व लोकी, ऊर्ध्व लोकी, देवाला गौरव, देवाला गौरव, ऊर्ध्व लोकी, ऊर्ध्व लोकी, देवाला गौरव, देवाला गौरव, बोला कृष्ण महाराज की जय, महाराज की जय, बोला कृष्ण महाराज की जय। चलो सबको, और बहुत अच्छा लगा, हाँ बहुत अच्छा लगा आज, क्योंकि आज का दिन जो है एक फेस्टिवल है, फेस्टिवल बहुत बड़ा फेस्टिवल है, ना ना गुड फ्राइडे का और ना ईस्टर का फेस्टिवल, ये तो परमेश्वर का एक जो बड़ा फेस्टिवल जो परमेश्वर ने इज़राइल लोगों के साथ में मनाया। राज मैं आपको तीन चीजों में एक्सप्लेन करना चाहूंगा, एक ओल्ड टेस्टमनी, सेकेंडली न्यू टेस्टमनी, और थर्डली हमारा जनरेशन, हमारा प्रेजेंट में, अभी हम लोग जो है प्रेजेंट में, मराठी में कहते हैं 21वें शतक के लोगों, बोलते हो 21वें के इसमें ये लोग हम लोग, और ओल्ड टेस्टी में क्या हुआ, न्यू टेस्टी में क्या हुआ, अरे अभी अभी हमारे साथ में क्या होने वाला है, ये तीन चीजों का एक्सप्लेन मैं आज में करना चाहूंगा, और उसके बाद में जैसा वचन खत्म होगा हम लोग एक स्पेशल सॉन्ग जो आज राजा वल्लण का मराठी में बहुत अच्छा गाना है, राजा वल्लण काला पापी सताची मोड घेला, एक सॉन्ग हम लोग गाने वाले, शायद थोड़ा टाइम हो जाएगा, पर आज हम लोग का हम्बल रिक्वेस्ट है आज आपको ये सुनना है, इसका मतलब सुनना है। प्रेज द लॉर्ड, शालोम। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में यहाँ पर हम लोग देखेंगे आज जो फास्ट स्पेशली जो दिन है लंदन का सन, इसमें निर्गम के पुस्तक में 12वां चैप्टर, निर्गम उसका 12वां चैप्टर में इस फेस्टिवल के बारे में लिखा गया, और सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि परमेश्वर के जो सात फेस्टिवल है वो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है, और जो ये पालता है उसको परमेश्वर आशीषित करता है, और जो पहला फेस्टिवल है वो पहला फेस्टिवल है बे खमीर भाकरीचा सन, बोले तो वलांडन सन, है ना, पहला जो सन है जो वलांडन सन, सेकंड सन जो है सेकंड फेस्टिवल जो है बे खमीर भाकरीचा सन, और थर्डली है प्रथम पड़ाचा सन, और चौथा है पेंटिकॉस्टल का 50वां दिन, और पांचवा है सुतारी का फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट, और छवा है प्रायश्चित्त का, प्रायश्चित्त का सन, और सातवां है मंडपाचा सन, टैबरनेकल बोलते हैं उससे। इसमें चार फेस्टिवल जो ओलांडन का सन, बे खमीर भाकरी का सन, प्रथम फल का सन, और पेंटिकॉस्टल का 50वां दिन का, ये चार फेस्टिवल हो चुके और तीन फेस्टिवल बाकी है। तीन फेस्टिवल में एक तुतारी का मतलब फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट, जो यीशु स्वर्ग में आने वाला है, और जैसा स्वर्ग में आएगा कैसा आएगा मालूम है, एकदम तुतारी के साथ में रण सिंगा फूका जाएगा, और रण सिंगा आखिरी रण सिंगा फूका जाएगा, तेरा मेरा यीशु आएगा, और जब वो आएगा बादलों में आएगा, और जितने लोग विश्वासी है वो उठा ले जाएंगे, उसको बोलते हैं रैप्चर, उस समय वो आएगा, परमेश्वर उस समय, इस समय क्या हुआ कि वो हमारे साथ में आया, गधे पे बैठ के आया, और उस समय घोड़े पे बैठ के आएगा। हर एक परमेश्वर का सिचुएशन सब कुछ अलग अलग है, और आज आपको मैं एक अच्छा एक्सप्लेन करने बताऊंगा, शायद मैं अंकल चंद्रा के जैसे नहीं बता पाऊंगा, निकी पास्टर के जैसे नहीं बताऊंगा, पर जैसा मेरे को परमेश्वर बताएगा मैं उससे बताएगा। ये जो निर्गम के 12 चैप्टर में लिखा गया कि ये जो रात थी वो रात बहुत लॉ वाली रात थी, लॉ वाली नियम अच्छी रात, तो मराठी में बोलते हैं नियम की रात्रि थी, नाइट। उससे पर्टिकुलर ऐसा क्या गया कि तुम्हें ऐसा ही करना है, ऐसा ही चलना है, ऐसा ही करना है, उसमें ऑप्शन नहीं था, कोई कंफ्यूजन नहीं था, कोई उसमें ऐसा शॉर्टकट नहीं था,
जैसा परमेश्वर ने बोला वैसा ही आपको करना है। और उसी तरह मोशे को और परमेश्वर ने हारून को वहां पर बोला कि तुम्हें यह मैं जो बताऊंगा उस तरह ये रात में आपको करना है। आइए हम लोग निर्गम के पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसका पहला और दूसरा हम लोग वचन यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, ये महीना तुम लोगों के लिए आनंद का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। हाँ, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने मूसे और हारून से कहा ये महीना, देखो आप कभी भी कैलेंडर देखेंगे ना तो वहां पर ऐसा लिखा गया क्रिस्त पूर्वी, इसका मतलब है कैलेंडर यहाँ से स्टार्ट हुआ। कैलेंडर यहाँ से स्टार्ट हुआ और वहां पर लिखा नित्य कैलेंडर दैनिक कैलेंडर और एक पृथ्वी कैलेंडर स्टार्ट हुआ। दो कैलेंडर यहाँ से स्टार्ट हो गए। आपका जो भी कैलेंडर है देखो उसमें लिखा गया है क्रिस्त पूर्वी बोले लिखा गया जाता है। ये कैलेंडर वास्तव का परमेश्वर ने पर्टिकुलरली एक तारीख दिया गया और उस तारीख को परमेश्वर ने मोशे और हारून को कहा कि तुम्हें क्या करना है, ये पहला महीना आएगा, उस पहले महीने में क्या करना है आपको इस तरह से करना है। आइए हम लोग अगर उसका डायरेक्ट हम लोग उसको तीसरा और चौथा वचन हम लोग पढ़ेंगे ना तो हम लोग को समझ में आएगा। इसराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, किसी महीने के दसवें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों को घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो, और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सब से निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हरे के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और एक वर्ष का न हो। यहाँ पर परमेश्वर ने मोशे और हारून से कहा कि आपको ये चीज करना है, आपके घराने में अगर थोड़े लोग रहेंगे तो आपके आजू बाजू के जो आपके रिश्तेदार उनको बुला के लो और उसमें क्या करो, एक मेमना वो कैसा होना चाहिए, नर होना चाहिए और वो एक बरस का होना चाहिए। परमेश्वर ने पर्टिकुलरली सब कुछ बता दिया वहां पर और क्या करना है मालूम है, उसको इस महीने के 10वें दिन में लेने आए पर एकदम परफेक्टली। यहाँ पर वचन क्या है, इस महीने के 10वें दिन में आपको लेना है और उसको क्या करना है, 4 दिन निहारना है और 4 दिन के बाद में 14वें दिन में उसका बलि चढ़ाना है। परमेश्वर ने सब कुछ वहां पर तारीख बताया, 10वां दिन, 14 दिन में क्या करना है, 4 दिन में क्या करना है, सब कुछ यहाँ पर परमेश्वर ने यहाँ पर उनको बताया कि आपके परिवार में से। और क्या जो है 5वां वचन यहाँ पर लिखा है कि वो जो मेमना लेंगे ना वो नर होना चाहिए, वो एक बरस का होना चाहिए, बल्कि यंग, एक बरस का जो होता है वो बहुत यंग होता है, वो एक बरस का होना चाहिए और वो कैसा होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए। इसका मतलब क्या मालूम है, निर्दोष होना चाहिए और उसको क्या करना है, इस महीने के चतुर्थी बोलते 14वां दिन बोलते 10 और 4 14वें दिन तक उसको निहारना है। लंगड़ा है, लूला है, काना है या बहरा है, कुछ प्रॉब्लम है उसमें, बीमार है, तो सब कुछ 4 दिनों में इसको देखना है, उसमें क्या दोष है उसको देखना है, 4 दिन इसको निहारना है। उसके बाद में 14वें दिन में उसको क्या करना है मालूम क्या, शाम के समय में जो यहूदी लोगों का वलांटन स्टार्ट होता है उसके बाद में उसको वहां पर लेके जाके वहां पर उसको क्या करना है, उसको आपको काटना है और उसका जो खून है उसका खून अपने जो दरवाजे का कपाल पट्टी बोलते हैं वहां पर चौकट बोलते हैं, उस चौकट पे ऐसा ऊपर लगाना है, आजू लगाना है, लगाना है। इस तरह परमेश्वर ने उनको ये एक पूरा नियम का रात्र बता दिया कि आपको क्या करना है। किसी का चालू है, मीट कर कीजिए उसको है? और उसी तरह परमेश्वर ने उनको बताया कि आपको क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। इस तरह परमेश्वर ने क्या किया, उनको बताया कि क्या करना है और उसको कैसा खाना है। अगर हम लोग 7वां वचन पढ़ेंगे ना तो देखेंगे 7वां वचन उसका, तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए। हाँ, उस वहां पर कहा कि उसका जो खून है वो ऊपर लगाना है, दाएं लगाना है, बाएं लगाना है और जिस घर में खाएंगे उस घर के ऊपर वो लगाना है। इसी तरह परमेश्वर ने उनको वो समय दिया गया। और एक 8वां वचन बताया उसमें क्या लिखा है देखो, और उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर
अखमीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाए। हाँ, यहाँ पर और एक उन्होंने बताया कि आपको उस रात में क्या करना है मालूम है, उस रात में उस जो मटन बनेगा वो जो करेगा उसको आपको पकाकर खाना नहीं है, पानी में पकाकर खाना नहीं है, उसके बाद में आपको कच्चा भी खाना नहीं है, उसको क्या करना है, उसको आपको भूनकर, भूनकर मतलब तंदूर, तंदूर उसको बनाना है, उसको भून कर खाना है, उसका सब कुछ खाना है, और जो कुछ बचा है उसको जला कर राख करना है, उसका कुछ भी आपको वहां पर रखना नहीं है। और उसने कहा भून कर खाना, इसका मतलब क्या है, परमेश्वर का जो न्याय था, न्याय क्रोध बोलते हैं, मिस्री लोगों पर जो क्रोध आने वाला था, मिस्री लोगों पर क्रोध आने वाला था, वो क्रोध को परमेश्वर दिखाने वाला था, इसलिए उसको उनको कहा गया उस मेमने का जो मटन है जो उसको आपको भून कर खाना है ताकि मिस्री लोग पे परमेश्वर का क्रोध आएगा। सेकेंडली बोला कि बेखमीर भाकरी के साथ में आपको खाना है, बेखमीर भाकरी के साथ में, इसका मतलब है जो बेखमीर भाकरी मंजे उसमें क्या होता है कि पाप भीरित, जिसमें पाप नहीं है, जिसमें खमीर नहीं है, जिसमें सोडा नहीं है, उसके साथ में आपको खाना है। परमेश्वर पर्टिकुलरली बताया आपको भून के खाना है, बेखमीर भाकरी के साथ में खाना है, और थर्डली बताया कि कड़ू भाजी के साथ में आपको खाना है। कड़ू भाजी का मतलब क्या है, गुलामगिरी से छुटकारा, गुलामगिरी से छुटकारा, क्योंकि परमेश्वर उस रात में मिस्र देश से सारे इसराइल लोगों को बाहर निकालने वाला था, वो गुलामी में थे, उनके गुलामी करते थे, और इस तरह परमेश्वर ने उस रात को कहा, 9 वचन में ऐसा लिखा है कि जो मीट है वो मीट को आपको कच्चा खाना नहीं है, उसके बाद में उसको उबाल कर खाना नहीं है, उसके अतड़ी पाय मुंडी सब कुछ क्या करना है, उसको जला कर खाना है, अगर बचा तो उसको डिस्ट्रॉय कर देना है, उसको जला के खत्म करना है, दूसरे दिन उसको खाना नहीं है। ये परमेश्वर का राज्य है, उसमें 10वां वचन में लिखा है कि कुछ रखना नहीं है उसको, उसको सब कुछ खत्म करना है, और उसके बाद में 14वां वचन है ये जो फेस्टिवल है कि परमेश्वर के सामने एक बड़ा मेला लगाओ, और हर पीढ़ियां पीढ़ियां बोलते कैसा जनरेशन अभी वहां से आया, हम लोग हम क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, तब तक ये वलांडन का सन आपको मनाने के लिए बुलाए, जब तक प्रभु यीशु ख्रिस्त आएगा नहीं, न्याय करेगा नहीं, तब तक हमें बनाना है। ये क्या था मालूम है, ये हो गया ओल्ड टेस्टमनी, हिस्ट्री, हिस्ट्री हुआ, हिस्ट्री जुना करार में हिस्ट्री हुआ। परमेश्वर ने कहा इस समय में क्या करना है, एक मेमना लेने का है, किस समय में लेने का है, 10वें दिन में लेने का है, उसको 4 दिन निहारना है, 14वें दिन में उसको शाम के 6 के बाद में उसको ये करना है, काटना है, उसका लहू चारों तीनों बाजू में लगाना है, उसका मटन खाना है, उसको भून कर खाना है, बेखमीर भाकरी के साथ में खाना है, कड़ू भाजे के साथ में खाना है, और उसको कुछ बचा रखने का नहीं है, और कैसा खाना है सबसे बड़ी चीज है ना, कैसा खाना है, कैसा खाना है मालूम है, अपने कमर को बांधना है, कपड़े पहनना है, जूते पहनना है, हाथ में लकड़ी लेना है, और उस तरह लकड़ी लेके ऐसा नीचे बैठ कर खाना नहीं है, टेबल के बैठ के ऊपर खाना नहीं है, ऐसा हप बैठ कर ऐसा पट पट जल्दी जल्दी खाकर उसको भागना है, ताकि परमेश्वर का जब न्याय आएगा, फारो का ऑर्डर आएगा, तब तो इनको वो छोड़ के भागना है। इस तरह से उन्होंने इस रात को वहां पर आशीषित रात्र और नियम की रात्र, ऐसी तरह से परमेश्वर ने इनको बोला कि इस रात को इस तरह से आपको करना है, गड़बड़ में खाना है, ऐसा बैठ के आराम से नहीं खाना है, जल्दी 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 खाना है। आप अगर पढ़ेंगे निर्गम के चैप्टर उसका 12 में तो आपको सब पता चलेगा, कि उतना टाइम नहीं है इसलिए मैं आपको मैं बता रहा हूं। इस तरह परमेश्वर ने नियम का रात्र बताया, और ये सब था हिस्ट्री में, हिस्ट्री हो गया है। ये परमेश्वर का तुमको मालूम है, मराठी में इसको बोलते हैं सराव, एक नाटक का डेमो था, डेमो रिहर्सल था, रिहर्सल जो परमेश्वर वहां पर कर रहा था, नए करार में प्रैक्टिकली ऑन द स्टेज परमेश्वर करने वाला था। कैसा करने वाला था, लेवी का पुस्तक उसका 23वां अध्याय, लेवी का पुस्तक उसका 23वां अध्याय और उसका 4वां और 5वां वचन हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हमको पता चल जाएगा। अभी ये हो गया हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में आपको बता रहा मैं, पढ़ेंगे। फिर यहोवा के पर्व जिनमें से एक एक के ठहराए हुए समय में तुम्हें पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा, वे ये है, पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय यहोवा का फसा हुआ करे, और उसी महीने के 15वें दिन को यहोवा के लिए अखमीरी रोटी का पर्व हुआ करे, उसमें तुम 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना। हाँ, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि 14वां दिन जो वलांडन सन होने के बाद में बेखमीर भाकरी का फेस्टिवल आ जाता है। ये सब हो गया हिस्ट्री,
इतिहासात्मक, मराठी में बहुत अच्छा बोल, इतिहास ऐतिहासिक, अभी संदेशात्मक, अभी हम लोग ओल्ड टेस्टमनी में चलेंगे, ओल्ड टेस्टमनी, अभी संदेश में क्या लिखा, संदेश संदेश कैसे एक्सप्लेन किया वहां पर, आइए हम लोग करेंगे। पहले करिंत उसका पांचवा अध्याय उसका सातवां वचन हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए होगा अभी न्यू टेस्टमनी में हम लोग आ रहे हैं कि ये जो रिहर्सल हैपन हो चुका है, अभी इसका जो प्रैक्टिकली ऑन द स्टेज परमेश्वर यीशु के साथ में कैसा कर रहा है वो हम लोग बता देखेंगे। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुंधा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। हाँ, फसी फसह जो है उलंडन का जो यज्ञ पशु है, जो हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त है, जो बलिदान होने वाला है, ध्यान रखिए। आमेन। हाँ, बलिदान होने वाला है, क्योंकि जो परमेश्वर का खमीर निकाल दो, पाप निकाल दो, जो हमारे में भीप बना है, गर्व पर निकाल दो, कि हमारा जो फसल है, जो यीशु मसीह है, वो उलंडन का सन का यज्ञ पशु है। जब भी देखो जो बलि का बकरा होता है ना, बलि का बकरा है, उसको जब लेके जाते हैं ना, तो उसको कैसे लेके जाते हैं मालूम है, सजा कर लेके जाते हैं, नहा धुला कर लेके जाते हैं, उसके गले में माला डालते हैं और बजा बजा के लेके जाते हैं, मालूम है। और हम लोग हर एक चीज हम लोग देखेंगे, यूहन उसका पहला अध्याय उसका 19वां वचन हम लोग देखेंगे। यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उसके लिए पूछने के लिए भेजा, तो कौन है, हाँ, याजकों और यूहन्ना ने बताया कि ये तू कौन है, हाँ, जगत का पाप हरण कर रहा ना, वो तो परमेश्वर का जो पूरे जगत का पाप हरण करने वाला ईसा मसीह है। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हाँ, जगत का पाप उठा ले जाता है। दूसरे दिन क्या कहा, जगत का पाप, बोलते यीशु मसीह जो हमारा पाप है वो अपने कंधों पर उठा के लेके जा रहा है, पाप हरण करने वाला, पापों को लेके जाने वाला है ना। और एक निकालेंगे हम लोग संदेशात्मक देखेंगे न्यू टेस्टमेंट के द्वारा, पहले पेत्रे उसका पहला अध्याय उसका 19वां वचन हम लोग देखेंगे। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हाँ, निर्दोष निष्कलंक किसके लहू से हुआ, मसीह के लहू से हुआ। पाप शुद्धिकरण किससे हुआ, प्रभु यीशु के लहू से होगा। जो मेमना न्यू टेस्टमनी में दिया, ओल्ड टेस्टमनी में दिया, वो मेमना न्यू टेस्टमनी का मेमना जो प्रभु यीशु क्रिस्त है उसके लहू के द्वारा हुआ। क्या बोला उन्होंने मालूम है, उन्होंने बोला उसका लहू, ओल्ड टेस्टमनी में उसका लहू लेना है और अपने घर के चौकट पर लगाना है। यहाँ पर लिखा है कि यीशु के लहू के द्वारा सब कुछ ठीक हो गया, हमारे अपराधों की पापों की क्षमा हो गई, क्योंकि वो वोलांडन सन का यज्ञ पशु था, है ना, वोलांडन सन का। आपको एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब प्रभु यीशु वोलांडन का सन मनाने के लिए यरूशलेम में आया था ना, वो दिन था दसवां दिन था। वो यीशु ने कहा कि जाओ, वो चेले को कहा कि वो गांव में जाओ, एक वहां पर गधा है, गधे का बच्चा शिंगरू बोलते हैं उसको लेके आओ। किसने पूछा तो बोलो गुरु जी को उसको जरूरत है। उन्होंने लेके आए और यीशु को गधे पे बिठाया, बलि का बकरा है ना। देखो सिचुएशन में आपको बताता मैं, हाँ, बलि का बकरा वहां पर उस बकरे को लिया, चार दिन निहारे, यीशु को गधे पे बिठाया, सब लोगों ने वहां पर अपना वस्त्र को निकाला, रस्ते पे डाला, कुछ लोगों ने जो ढालिया है वो हाथ में लिए और कहा होसन्ना होसन्ना, प्रभुच्या नावाने येणारा राजा धन्यवादित असो, उर्दू लोकी देवाला गौरव। इस तरह वो चिल्ला चिल्ला कर यीशु वहां पर दसवें दिन में यरूशलेम में दाखिल हुआ। वो दसवां दिन था। जो ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा है वो न्यू टेस्टमेंट में, क्योंकि परमेश्वर के वचन में कभी भी फर्क नहीं होता, कभी फर्क नहीं होता। जो लिखा है वो लिखा है, करना है करना है, उसको ऑप्शंस नहीं है, चलता है नो चलता है, क्योंकि वहां पर आपको ऑब्जेक्शन नहीं है, आपको वहां पर कंफ्यूजन नहीं होना नहीं चाहिए, उसको वहां पर आपको ऐसा मार्ग सेकंड शॉर्टकट मार्ग निकालना है, नहीं चलता, क्योंकि वो लिखा है वहां पर ओल्ड टेस्टमेंट में दसवें दिन में उस मेमने को। वो मेमना कैसा था मालूम है, वो एक बरस का था। यहाँ पर यीशु यंग था, यंग एक बरस का नर होना चाहिए, यहाँ पर यीशु नर था और यंग था, क्योंकि वो 29 वर्ष का था, यंग था, एकदम स्ट्रांग था, है ना, स्ट्रांग था, क्योंकि यीशु स्ट्रांग था और उसके बाद में यंग था और वो नर था,
और उसमें दोष निकालना है। तो जब यीशु गधे पे बैठ के यरूशलेम में आया तब तो सारे शास्त्री पुरुषों ने क्या करा मालूम क्या, उसमें से उसके साथ में भेष करना शुरू कर दिया, अलग अलग सवाल पूछना शुरू कर दिए, अलग अलग ये करना शुरू, लोगों के बारे में बात करने, कभी कभी कुछ भी सवाल करने, कोई बोलता था कि ऐसा लिखा है, कोई बोलता था तू शब्बात तोड़ता है, कभी बोलता है तू करने देता है, उसमें से दोष निकालना शुरू करता है। यहाँ पर मेमने को भी ऐसे ही किया था, जो मेमना न्यू ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा है वो मेमने को लंगड़ा है, लूला है, काना है, अंधा है, बीमार है, उसमें से दोष निकालना था, उसमें से कुछ दोष नहीं था तो उसको बलि का बकरा बनाया। यहाँ पर यीशु में भी दोष निकालना चाहते थे शास्त्री पुरुष ही, और उसके बाद में देखा कि शास्त्री पुरुष ने उसमें से दोष निकालना चाहा पर वो दोषी नहीं ठहरा। उसका टेस्टमनी कौन किसने दिया मालूम है, हम लोग निकालेंगे यवान यवान चैप्टर उसका 18वां अध्याय उसका 38वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। पिलातुस ने उसे कहा सत्य क्या है, यह कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता। पिलातुस ने यीशु को पकड़ा गया, उसके बाद में उस यीशु को लाया गया, किसके पास लाया गया मालूम क्या, रोमी राज्य का पिलातुस था उसके सामने लाया गया, और पिलातुस ने कहा अरे इसमें तो कुछ दोष नहीं है, किसने टेस्टिमनी दिया, गवाही, किसने गवाही दी, साक्षीदार कौन था, उनका ही आदमी, रोमी लोगों का आदमी, क्योंकि ये जो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में लिखा था और जो मेमना था वो निर्दोष होना चाहिए था, निष्कलंक होना चाहिए था, वहां पर जो लिखा था यहाँ पर भी यही है, उसके लिए टेस्टमनी गवाही देने वाले लोग चाहिए थे, और गवाही कौन, उनके लोग चाहिए थे, अपने लोग नहीं चाहिए थे, इसलिए उसको पिलातुस के पास लेके गए, और पिलातुस ने देखा अरे इसके में तो कुछ दोष नहीं है, है ना, इसमें कुछ दोष नहीं, इसको छोड़ देंगे, क्योंकि अभी वलांटन का सन है, इसको छोड़ देंगे। लोग बोले नहीं नहीं इसको छोड़ना नहीं है, इसका खून हमारे पे डालिए और इसको क्रूस पे लगाइए और बरब्बा के लिए हमको छोड़ दो, ऐसा लोगों ने कहा। पर पिलातुस बोला नहीं 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 इसमें कुछ दोष नहीं है, मैं इसको क्रूस पे नहीं दे सकता। फिर पिलातुस ने क्या किया मालूम है, पानी लिया अपने हाथों पे डाला और अपने हाथों को धो दिया, बोला इसके खून का जवाब आपको देना पड़ेगा, इसलिए उसने अपने हाथ धो दिया, जो आपको करना है करो बोलकर उसने बोला ये निर्दोष है क्योंकि ये वलांडन सन का जो मेमना है। टेस्ट में आया ओल्ड टेस्ट में ऐसे ही था, वो जो मेमना था वो निर्दोष होना चाहिए था, निष्कलंक होना चाहिए था, 10वें दिन इसको लेना था, 14 दिन में काटना था, और जब यीशु को उस पे चढ़ाते थे वो दिन था 14वां, मालूम है सब कुछ नाटक का रिहर्सल ओल्ड टेस्टमनी में, यहाँ पर न्यू टेस्टमनी में वो प्रैक्टिकल चल रहा था, प्रैक्टिकली लोगों को दिख रहा था। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको एक बताना चाहता हूं, यीशु वलांडन सन मनाने के लिए यरूशलेम में आया था, जो परमेश्वर की आज्ञा थी पीढ़ियां जनरेशन टू जनरेशन इसको मनाना है। यीशु परमेश्वर के लॉ को नहीं तोड़ता था, यीशु परमेश्वर के लॉ को लेकर चलता था, और जैसा उनको बताया कि जनरेशन टू जनरेशन इसको मनाना है, उसी तरह यीशु ने वो पालने के लिए वो यरूशलेम में आया। 10वें दिन आया, गधे पे बैठा, यरूशलेम में गया, 4 दिन शास्त्री पुरुष ने इसका एग्जाम लिया, पिलातुस उसको पकड़े, पिलातुस ने बोला ये निर्दोष है, और उसका टेस्टमनी हो जा, साक्षीदार हुआ, और उसको क्रूस पे लेके गए, वो था दिन 14वां, क्योंकि मालूम है 14वां दिन था, क्योंकि उसमें जो मेमने में गुण थे सब गुण यीशु में थे। एक वर्ष का था, यंग था मेमना, यीशु वहां पर यंग था, उसमें कुछ दोष नहीं थे, सब कुछ दोष नहीं थे, और सब कुछ वहां पर वो एकदम करेक्टली जो मेमना था वो यहाँ पर मेमना था। इसी तरह परमेश्वर ने क्या किया मनाना, और उसके बाद में 14वें दिन था, जो यहूदी लोग का दिन स्टार्ट होता है शाम को 6 बजे, तो दूसरे दिन 6 बजे है ना, वो 6 बजे के बाद में उसको पकड़ा गया, उसको लेके गए, उसके बाद में उसका प्रोसीजर हो गया, और उसको 12 से 3 के बीच में पाप पर यीशु को क्रूस पे लटका गए, और तब उस समय में यहूदी लोग अपना मेमना लेकर यरूशलेम के मंदिर में जाके वहां पर वो बलि चढ़ा रहे थे। अगर आप जीसस फिल्म देखेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि किसी तरह का सिचुएशन वहां पर क्रिएट किया गया, जिसका हमारे स्टडी के लिए आप, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा गया होता है ना वो सब परमेश्वर उसी तरह से करता है, क्योंकि वो डेमो था और यहाँ पर प्रैक्टिकल में ओल्ड टेस्टमनी में वो एक प्रैक्टिकल था, और न्यू टेस्टमनी में वो पूरा नाटक वहां पर चल रहा था, परमेश्वर एकदम यीशु के साथ में वही करता था। और उसने कहा कि ये जो उसका मटन है ना इसमें करना है, कैसना उसको जला कर तंदूर करके खाना है, परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का क्रोध,
उस समय मिस्री लोगों पे परमेश्वर का क्रोध आया था, उसमें क्या क्या उनको और कहा कड़ु भाजे के साथ पाप पीड़ित है ना, जिसमें खमीर नहीं है, और यीशु के लव के द्वारा है ना वो सब कुछ निकल जाता है। और ये था न्यू टेस्टमनी, यीशु को क्रूस पे लटका दिया, उसका लहू गिरा, जैसा उसका लहू गिरा जितने भी वहां पर कब्रस्तान थे, उस कब्रस्तान में लोग जैसे ही लहू गिरा तो जितने ही मुद्दे खड़े हुए थे वहां पर सब उठ के उठ गए, और भूमिकंप हुआ, सब कुछ वहां पर हुआ, जो सन ने अपना रोशनाई कम कर दिया है ना, सब कुछ वहां पर ऐसा ये चालू हो गया। वहां पर जो परमेश्वर का मेमना था, जो वहां पर परमेश्वर ने ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा गया था, न्यू टेस्टमेंट में एकदम क्लियर हो चुका था। उसके लहू के द्वारा हमें चंगाई मिलती है, उसके लहू के द्वारा हमारे अपराध के पाप की क्षमा मिलती है, पाप पीड़ित और कड़ु भाजे के साथ में मतलब यीशु के लहू के द्वारा हम छुटकारा पा गए, गुलामगिरी से मुक्त हो गए हम लोग, गुलामगिरी से हम लोग एकदम बच गए, क्योंकि परमेश्वर ने हमको छुड़ाया, परमेश्वर ने अपने मेमने को है ना वहां पर उसने क्या क्या बलिदान किया, और जो परम पवित्र स्थान में जो बड़ा पर्दा लगा हुआ था वो ऊपर से लेके नीचे सब तक फट गया, और हम लोग जो परमेश्वर को नहीं मिल पाते थे आज हम लोग डायरेक्ट परमेश्वर से प्रार्थना करके हम लोग परमेश्वर से मिल पाते, यीशु के बलिदान के कारण, यीशु के लहू के गिरने के कारण, यीशु ने हमको जो परमेश्वर के बीच में हमारा जो दरिया था बड़ा उसको निकाल दिया, उसने डायरेक्टली हमको परमेश्वर से मिला दिया। आज हम लोग प्रार्थना भी करते हैं, परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से हम लोग परमेश्वर के पास मांगते हैं, और ये सब यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के मरने के द्वारा हमें छुटकारा वहां पर प्राप्त हुआ। ये होगा न्यू टेस्टमेंट। आइए हम लोग हमारे साथ में इस वोलांटन सन को हम लोग कैसा मनाते, आप देखिए ओल्ड टेस्टमनी में हिस्ट्री था, न्यू टेस्टमनी यीशु के साथ में हो गया, वो नाटक का रिहर्सल था, नाटक वहां पर एकदम रियल में न्यू टेस्टमनी हो चुका, हमारे साथ में कैसा होता है। अगर हम लोग देखेंगे पहले करिंथ उसका 11वां अध्याय और उसका 23 और 24 वचन में हम लोग देखेंगे, तो जब हम प्रभु भोजन के सामने आते हैं, प्रभु भोज का सामने लिखा है, प्रभु भोजन के सामने, तो हम लोग क्या करते हैं मालूम है, हम लोग रोटी लेते हैं, रोटी हमारे अंकल रोटी रोटी के लिए प्रार्थना करने के लिए बोलते, लहू के लिए प्रार्थना करने के लिए, ये क्या है, ये क्या है, कभी आपको उस पर गौर नजर किया है, क्या आपने देखा है, हाँ हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग बोलते हैं अंकल प्रार्थना करने, बोलते हैं ये रोटी है, ये प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर है जो बाइबल में लिखा है, हाँ ये हम लोग तेरे नाम से तोड़ते, हम लोग क्या करते, उसके मेज के सामने आने के बाद में हम लोग कन्फेक्शन करते, कन्फेक्शन है ना, हम लोग बोलते प्रभु गलती से अनजाने में हम लोग ने पाप किया, तो हम लोग क्या करते हमारे अपराधों की पापों की क्षमा मांगते, उसके मेज के सामने आने के बाद में फिर उसका जो देह है यीशु का देह उसको तोड़ते और खाते हैं, है ना, वो जो मेमना है ओल्ड टेस्टमेंट में उसका मटन खाना है, कैसा खाना है, ऐसे नहीं खाना है हम लोग क्या उसको भूनकर खाते हैं क्या, नहीं उसको क्या करते हैं मालूम है, जलाकर, इसका मतलब क्या है मालूम है, हम लोग कन्फेक्शन करते प्रभु क्षमा कर, प्रभु क्षमा कर, हमें प्रभु क्षमा कर, और तब हम लोग वहां पर खाने के लिए लायक हो जाते हैं, है ना, हम लोग क्षमा मांगते पाप पीड़ित भाकरी है ना, बेखमीरी भाकरी, उसके बाद में कड़ू भाकरी, जो कड़ू भाजी का मतलब क्या है मालूम है, जो हमारे में से गुलामगिरी, जो बंधन में हम लोग शैतान के बंधन में, बीमारी के बंधन में, कर्जे में से बंधन में से हम कन्फेशन करते प्रभु निकाल दे, तब वो निकाल लिया जाता है, तब हम यीशु का जो रोटी है वो खाते हैं, उसके बाद में लहू पीते, बोलते ये राक्षस को आशीषित कर, इसका लहू बना और पीते, यीशु का लहू पीने के बाद में जैसा हम लोग लगा देते अंदर पी लेते उसी तरह हमको यीशु के लहू के द्वारा चंगाई प्राप्त होती और हम क्लीन हो जाते, इसको बोलते हैं वोलांटन का सन, क्या बोलते मालूम है, इसको पास ओवर का सन बोलते जो हम लोग हर महीने में मनाते हैं, पर परमेश्वर का जो सन है परमेश्वर ने हमको बताया इसको आपको जनरेशन टू जनरेशन मना है, और इसका ये मूल्य है कि परमेश्वर आज हमारे साथ में हर महीने में हम लोग मनाते हैं, पर उसका हमको पता नहीं कि क्या है, ये जो प्रभु भोजन की विधि में हम लोग जब शामिल होते हैं तब उसकी रोटी हम लोग खाते, उसका शरीर हम लोग खाते, उसका लहू हम लोग पीते और उसको याद करते, हमारे अपराधों की पापों की पाप पीड़ित बेखमीर भाकरी के साथ, कड़ू भाजी के साथ, और उसके बाद में जलाकर, इसके मतलब है हम लोग कन्फेशन करके परमेश्वर के सामने आके उसके मेज को हम लोग एक्सेप्ट करते, इसको बोलते हैं परमेश्वर का पासवर्ड का फेस्टिवल, वो लंदन का सन जो परमेश्वर ने आज हमको आशीषित किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। चलो हम लोग एक गीत गाएंगे, और एक गीत जो है एक गीत है कि मराठी में अच्छा सॉन्ग है, राजा वलन्य चाला पापी सताची मोड़ खेला,
हाँ, एक गीत हम लोग गाएंगे और एक राजा